हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे और अच्छे से होंगे। एक बार जल्दी से सभी आ जाइए, सभी जुड़ जाइए। भाई देखिए, मेरा ना जो मेरा बस चलता है वो दो चीज़ों पे चलता है। एक तो मेरी ये जो हाथ में कलम है, पेन है, इस पर चलता है। इसके अलावा मेरी बुक्स हैं, ये रखी हुई हैं सामने, इन पर चलता है। दो चीज़ों पर मेरा बस चलता है, उसके अलावा बाकी किसी चीज़ पर मेरा बस नहीं चलता। ठीक, आप समझ सकते हैं, लाइट नहीं होगी तो मैं कैसे क्लास करवाऊँगा? तो यहाँ पर जिस जगह पर मैं रहता हूँ, मैं जगह का नाम नहीं ले सकता कहाँ रहता हूँ, मगर दिल्ली में जिस जगह मैं रहता हूँ वहाँ पे ब्लास्ट हुआ, उसमें भाई साहब क्या बोलते हैं, खंबे में पूरा पूरा खंबा वंबा सब जल गया। रात को 4 बजे तक खंबा जला। आपने वीडियो देखी होगी, कल मेरी एक वीडियो आई थी, शॉर्ट वीडियो डाली मैंने थे, वो वीडियो मैंने डाली थी रात को ढाई बजे के आसपास वो वीडियो मैंने शेयर की थी बना के। और मैं वीडियो बना रहा था, उसके जस्ट कुछ देर बाद बूम, मतलब धमाका हुआ और भाई साहब खंबा वंबा सब जल गया और पूरी रात लाइट नहीं आई। उसके बाद कल बीच में दिन में एक बार लाइट आई, फिर दोबारा चली गई, क्योंकि गर्मी, मतलब जो गर्मी है उस वो लेवल की पड़ रही है जिस गर्मी को बर्दाश्त इंसान नहीं कर पा रहे, इंसान पिघल रहे हैं गर्मी से। तो वो तो बेचारा खंबा है, ठीक है ना, तो वो खंबे में लग गई दो बार आग, और आग लगने की वजह से तुम्हारी क्लास नहीं हुई। मगर चिंता मत कीजिए, मैं ऑलमोस्ट अपने प्रोमिसज फुलफ़िल करता हूँ। यार देखो, ऐसा नहीं है कि मैंने कोई प्रॉमिस किया फुलफ़िल नहीं किया, मैंने प्रॉमिस फुलफ़िल किया। रात को काम नहीं कर रहा, देखो ना, मेरा डिजिटल बोर्ड काम कर रहा था, ना दूसरा वाला डिजिटल बोर्ड काम कर रहा था, मैम वाला। अब लैपटॉप से बैठे क्लास लेने के लिए लैपटॉप काम नहीं कर रहा भाई साहब। 4 बार लैपटॉप से, तीनों के मतलब तीनों ने अपने अपने लैपटॉप करवा लिए, चेंज करवा लिए, चेक करवा लिए कि प्लीज़ हो जाए, कुछ भी हो जाए, क्लास हो जाए, नहीं हो पाई। अब उसमें क्या कर सकते हैं यार, कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि टेक्निकल इशू ऐसी चीज़ है जिसमें कुछ नहीं किया जा सकता। तो प्लीज़ जब आप समझ जाएँ टेक्निकल इशू है तो थोड़ा सा कॉपरेट किया कीजिए। नाराज़ गुस्सा होना आपका पूरा हक है, मगर हाँ, जब आपको पता हो रीज़न की, रीज़न एक्यूरेट है यार, उस रीज़न की वजह से क्लास नहीं हुई है, तो समझ जाया कीजिए। इसीलिए जैसे ही आप लोगों ने मुझे बोला, मैंने सारी की सारी PDF सेंड कर दी थी आपको 2 दिन की, कि भाई कुछ नहीं तो तुम्हारी कम से कम रिवीजन तो हो जाएगी PDF के माध्यम से। ठीक, चलिए जी, फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिए एक बार। बाकी सभी कहाँ पर हैं? मोनिका जी, रजत सक्सेना जी, बहुत बहुत स्वागत है। विकास, शहदाब, सुशील कुमार, योगी जी, एक बार जल्दी से क्लास को सभी मिलकर शेयर कर दीजिए। हाँ सर, की सर 9 बजे वाली क्लास, उस दिन 9 बजे वाली जो क्लास है ना, वो रात को मैंने, मतलब वो 9 बजे का इवेंट बन गया था। अब मैं वो क्लास को खड़ा हो गया 9 बजे लेने के लिए और विद्यार्थी आए नहीं, स्टूडेंट्स आए नहीं, इसीलिए उस क्लास को मैंने ऑफ करवा दिया और मैंने बोला कि उसको प्राइवेट ही कर दीजिए आप और 9:30 बजे ही लेंगे। तो आज 9:30 बजे ही क्लास होगी और डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की होगी, मतलब हिस्टोरिकल जो पोर्शन रहेगा ना, उस पोर्शन की क्लास होगी तुम्हारी, अपनी पॉलिटी की, हिस्ट्री की नहीं, पॉलिटी की क्लास होगी, ध्यान रखना इस बात को। तो चलिए भाई, एक बार जल्दी से सभी लोग फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिए, जल्दी से जुड़ जाइए सभी क्लास में, क्योंकि क्लास तुम्हारी शुरू हो गई है, क्लास तुम्हारी आरंभ हो गई है भाई। सभी को एक बार बता दीजिए फटाफट से क्लास शेयर करके, और यार एक आध दिन तो चला लिया करो, मैनेज कर लिया करो। इस बार कोशिश करूँगा, संडे भी तुम्हारी क्लास ऑफ नहीं करूँगा, संडे भी तुम्हारी क्लास लूँगा, क्योंकि तुम सभी लोगों के एग्ज़ाम है, मैं समझ पा रहा हूँ बिल्कुल अच्छे से। ठीक, चलिए भाई, एक बार जल्दी से सभी लोग क्लास को शेयर कर देंगे फटाफट से। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। बारबिका जी, अरविंद डोगरा जी, मोहित गहलोत जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का क्लास में, बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, तब तक तो वर्ल्ड का हो जाएगा जी, बिल्कुल ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। आप जानते हैं ये एक और चैनल है अपना Science7 के नाम पे, यहाँ पर भी क्लास होती है हमारी करंट अफेयर वाली। उस दिन भाई मैम ने क्लास दी नहीं थी मुझे, इसीलिए मैं क्लास ले नहीं पाया था, और कल आप समझ रहे हैं रीज़न था। तो आज तुम्हारी 11 बजे वाली क्लास होगी, मगर वो मैराथन में ही काउंट हो जाएगी। उस दिन बच्चे 410 थे और भाई साहब मैम के बच्चे थे, इसलिए मैम ने क्लास दी नहीं। मैम ने बोला कि भाई मैं ही लूँगी क्लास, तो मैडम ही क्लास ले रही थी उस दिन, तो 11:30 12 तक उन्होंने खुद ही क्लास को संभाल लिया था। और इवन हमने भी फोर्स नहीं किया कि भाई आप ही ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा ये है इनअप्रोप्रिएट कंटेंट के बारे में, यदि आपको लगता है कोई कंटेंट असंवेदनशील है तो उस कंटेंट को आप रिपोर्ट कर सकते हैं और जीत सकते हैं प्राइस। इसके अलावा ये है CET प्रिपरेशन बूस्टर बैच, इस बैच में एनरोल करने के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा मेरा कोड CM10, जो आपको दिलवाएगा 10% का डिस्काउंट, 10% की छूट। इसके अलावा ये है अपना इंडिया बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट, इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए भी आपको यूज़ करना पड़ेगा मेरा कोड CM10, और ये कोड आपको दिलवाएगा फ्री एंट्री, फ्री सब्सक्रिप्शन इसके अंदर, और इसमें आपको बहुत आकर्षक प्राइस दिए जाएंगे
बहुत कुछ दिया जाएगा। तो इसमें अभी से जाके एनरोलमेंट कर लीजिए ताकि आपकी एक सीट फिक्स हो जाए। इसको फिक्स करने के लिए आपको जाना पड़ेगा अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन पे, डाउनलोड करना पड़ेगा अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन पे आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। फ्री क्लासेस मिल जाएंगी, पेड क्लासेस, इसके अलावा मेरी फ्री क्लासेस, इसके अलावा कॉम्बैट टेस्ट सीरीज़, मॉक टेस्ट, बहुत कुछ आपको मिल जाएगा केवल और केवल एप्लीकेशन पे जाने के माध्यम से ही, फ्री में भी। इसके अलावा ये रहेगा मेरा कोड जो कि रहेगा CM10, ठीक, ये मेरा कोड रहेगा CM10। सर UP SI का सब्सक्रिप्शन कैसे ले सकते हैं? आप जाइए, आप ये एप्लीकेशन ओपन करेंगे, एप्लीकेशन में आप सर्च कर लेना UPSI वाला कोर्स, और UPSI वाले कोर्स को आप जाके एनरोल कर लेना, ठीक। जो भी उसमें चार्ज दे रखा होगा उसमें आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आपने ये कोड का इस्तेमाल किया CM10। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास टीचर्स के माध्यम से आपको पढ़ने को मिल जाएगा। चलिए, ऑल सेट, सभी तैयार हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास। करंट अफेयर के क्वेश्चन उस दिन हो नहीं पाए थे, रात को आपने देखे, आज तो आज के करंट अफेयर, भाई 6 महीने के करंट अफेयर करवाने हैं मुझे, एक दिन के करंट अफेयर करवाने नहीं, तो उस दिन वाले करंट अफेयर वहाँ हो नहीं पाए, इसीलिए वो करंट अफेयर पूरे के पूरे मैं यहाँ ले आया और आज उनको करवा दूंगा पुराने वाले, ठीक। चलिए, पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द गवर्नमेंट सिक्योरिटी विच इज़ ऑड वन आउट द फॉलोइंग बेस्ड ऑन इट्स ऑक्शन मेथडोलॉजी। नीलामी पद्धति के आधार पर निम्नलिखित में से विश्व सरकारी प्रतिभूति ज्ञात कीजिए। बेंचमार्क सिक्योरिटी फॉर द टेन्योर ऑफ 3 ईयर्स, बेंचमार्क सिक्योरिटी फॉर द टेन्योर ऑफ 5 ईयर्स, फ्लोटिंग रेट्स बॉन्ड, या फिर बेंचमार्क सिक्योरिटी फॉर द टेन्योर ऑफ 30 ईयर्स। विश्व मतलब मेथड ऑफ ऑक्शन के अनुसार इसे आप फाइंड कीजिए कि कौन सा ऑड है, मतलब कौन सा इसमें वैलिड नहीं है, कौन सा ऑड है उसे फाइंड कीजिए। चलिए, सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पहली बार आपने पढ़ा होगा सवाल, क्योंकि मैं ही सवाल ये पहली बार पढ़ा रहा हूँ इसीलिए। चलिए, शिवानी जी, आयुषी जी, बहुत बहुत स्वागत है क्लास में, मानसी चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का क्लास में। सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जवाब देने की जल्दी से कोशिश कीजिए। क्या रहेगा सवाल का जवाब? बेंचमार्क सिक्योरिटी फॉर द टेन्योर ऑफ 3 ईयर्स, बेंचमार्क सिक्योरिटी फॉर द टेन्योर ऑफ 5 ईयर्स, फ्लोटिंग रेट्स बॉन्ड, बेंचमार्क सिक्योरिटी फॉर द टेन्योर ऑफ 30 ईयर्स। क्या रहेगा सवाल का जवाब? ये सवाल आप पहली बार ही पढ़ रहे होंगे, इस सवाल का जवाब है बेंचमार्क सिक्योरिटी फॉर द टेन्योर ऑफ 30 ईयर्स। मैं 8 महीने के करंट अफेयर प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, आप जानते हैं, रात को 11 बजे 11 PM Science 7 पर क्लास होती है आपकी, मगर उस दिन वाली क्लास आपकी मिस हो गई थी, इसीलिए वो क्वेश्चंस मैं यहाँ पर ले आया हूँ और यहाँ पर करवा देता हूँ ताकि मेरा सिलेबस पूरा हो जाए जो मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है स्क्रीन पर, एक्सिस बैंक हैज इंक्ड मल्टी ईयर डील विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम ऑफ द बैंक। एक्सिस बैंक ने डिजिटल परिवर्तन कार्यक्रम के लिए किस कंपनी के साथ बहुवर्षीय समझौता किया है? एक्सिस बैंक हैज एक मल्टी ईयर, बहुवर्षीय मतलब मल्टी ईयर डील साइन करी है फॉर द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम ऑफ द बैंक, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के साथ, अमेजोन वेब सीरीज के साथ, गूगल क्लाउड के साथ, या फिर IBM के साथ। और आज नहीं, वॉइस तो बिल्कुल ठीक आ रही होगी जी, वॉइस बिल्कुल ठीक आ रही है, फर्स्ट क्लास है शिवम जी, आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है, फर्स्ट क्लास है। एक चीज़ और ध्यान रखना, आज मैं 2 बजे के आसपास या 2:15 के आसपास एक बार इंस्टाग्राम भी लाइव करूँगा, तो जो भी वहाँ कनेक्टेड है एक बार ज़रूर देख लेना, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, अमेजोन वेब सर्विस, गूगल क्लाउड, या फिर IBM, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स की डेट आ गई है, कहीं ना कहीं गाइड तो करना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि लास्ट मोमेंट है आपके लिए। सर आपने उस दिन की PDF अपलोड नहीं की 11 बजे वाली, फर्स्ट डे वाली, ठीक है जी, मैं कर दूंगा, मैं सेंड कर दूंगा। क्या रहेगा? माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, अमेजोन वेब सीरीज, गूगल क्लाउड, या फिर IBM? सवाल का जवाब रहेगा अमेजोन वेब सीरीज। और एक चीज़ और मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि लास्ट मोमेंट पे किस बुक्स का इस्तेमाल करना है वो आज मैं आपको लास्ट में गाइड कर दूंगा। ये जो लास्ट मोमेंट आपकी चल रही है ना, एग्ज़ाम से पहले जो 20 दिन है या 22 दिन है, इसमें आपको कौन सी बुक्स का इस्तेमाल करना है और कौन से नोट्स का इस्तेमाल करना है वो मैं आज आपको गाइड कर दूंगा अच्छी तरह, जिससे आपको बेनिफिट ही रहे। चलिए जी, सवाल का जवाब है अमेजोन वेब सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है स्क्रीन पर, द स्कीम टाइटल निपुण भारत प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री। निपुण भारत कार्यक्रम नामक योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा? आपने कल देखा होगा लगभग 12 के आसपास मंत्रियों ने रिज़ाइन कर दिया और 43 के आसपास नए मिनिस्टर्स बनाए गए, मैंने फ़ोन में न्यूज़ देखी थी, ठीक जी। मैं बता दूंगा, मैथ्स के लिए आप परेशान मत होइए, डोंट वरी, मैं बता दूंगा, मैं गाइड कर दूंगा आपको, मैंने देख लिया था आपका मैसेज, ठीक।
43 के अब 43 नए मिनिस्टर्स बनाए गए और 15 मंत्रियों का वो 12 मंत्रियों ने रिजाइन कर दिया। रविशंकर प्रसाद ने, हर्षवर्धन जी ने, इसके अलावा और भी कई सारे मिनिस्टर्स ने रिजाइन कर दिया अपने पद से, ठीक, और उनके स्थान पर नए मंत्री बनाए गए हैं। अब देखते हैं वो नए मंत्री कितना कारगर साबित होंगे, वो तो देखने वाली ही बात होगी। चलिए जवाब दीजिए सर, राष्ट्रपिता गांधी जी हैं या नहीं? शशांक शर्मा जी, ये बात मैंने कई बार आपको बताई है कि राष्ट्रपिता की उपाधि, मतलब हम बोल देते हैं उन्हें राष्ट्रपिता, मगर ऐसा नहीं है कि वो भारत के संविधान में कहीं लिखा होगा या फिर ये एक वैलिड डॉक्यूमेंट है, ठीक है, ये वैलिड एक डॉक्यूमेंट नहीं है, बस हम एक उपाधि उन्हें दे देते हैं कि राष्ट्रपिता हैं, मगर वो अगर सवाल एग्जाम में पूछा जाए या फिर आपसे पूछा जाए तो आप बोलेंगे कि हाँ हम उनको बोलते हैं राष्ट्रपिता, मगर ऐसा ऑफिशियल या आधिकारिक रूप पे नहीं है, ठीक। सवाल का जवाब क्या रहेगा? द स्कीम टाइटल निपुण भारत, निपुण भारत जो योजना है वो किस मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है? सवाल यहाँ पर ये है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। बहुत बढ़िया, सभी ज़्यादातर जवाब सही दे रहे हैं। सवाल का जवाब रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। आप जल्दी से बता दीजिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के मिनिस्टर कौन है, और मैं एक पूरी की पूरी शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा बनाकर, जिसमें सभी मिनिस्टर्स को मैं पढ़ा दूंगा कि कौन सा नया मंत्री बनाया गया है, बहुत शॉर्ट में समझा दूंगा ताकि एक ही बारी में तुम्हारा पूरा का पूरा काम हो जाए। सवाल का जवाब है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। जल्दी बता दीजिए भारत के नए शिक्षा मंत्री कौन है, या भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? बदले गए हैं, नए बदले गए हैं, नए बदले गए हैं, तो कौन है शिक्षा मंत्री, बस ये बता दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है, धर्मेंद्र प्रधान तो वो संभाल रहे थे ना ऑयल, धर्मेंद्र प्रधान तो पेट्रोलियम मंत्री थे ना, बदल दिया इनका कार्यालय कार्यकाल क्या कल? चलिए जी बहुत बढ़िया, धर्मेंद्र प्रधान आप बोल रहे हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ निपुण? अगला सवाल देख लीजिए क्या डाला है, निपुण भारत प्रोग्राम की स्कीम, जो निपुण भारत प्रोग्राम है ना उसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर द प्रोफेशनल अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमोक्रेसी, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोजेक्ट अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमोक्रेसी, नेशनल इनिशिएटिव फॉर द प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग। पहले पेट्रोलियम मंत्री थे, बहुत बढ़िया, रमेश पोखरियाल निशंक साहब का लग रहा डिपार्टमेंट चेंज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे है नेशनल इनिशिएटिव फॉर द पीरियोडिक रिसर्च इन द यूनिवर्सल एजुकेशन, व्यवसायिक समझ और संख्या मत के लिए राष्ट्रीय पहल, परियोजना की समझ संख्या मत के लिए राष्ट्रीय पहल, समझ और संख्या संख्यात्मक के साथ पढ़ने प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल, सर्वभौमिका शैक्षणिक शैक्षिक आवश्यकताओं के आवधिक अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय पहल। क्या रहेगा सवाल का जवाब? निपुण की फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, ध्यान रखना। पहले आप बोल रहे हैं क्या थे, पहले पेट्रोलियम मिनिस्टर थे, उन्हें क्या बना दिया गया, उन्हें बना दिया गया नया एजुकेशन मिनिस्टर। भाई साहब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने एक चीज़ का पैटर्न नोटिस नहीं किया होगा, आप एक पैटर्न को ज़रूर नोटिस करना, मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है। जिस बात को आप लेकर चिल्लाते रहते थे ना कि यार इस देश में ऐसा नहीं होता कि एक जॉब के लिए तो एजुकेशन इस देश में ज़रूरी है, मगर एक मंत्री बनने के लिए एजुकेशन ज़रूरी नहीं है। देखिए ऐसा मैं कुछ कमेंट नहीं करूँगा, टिप्पणी नहीं करूँगा, ना ही ऐसा मैंने कहीं पढ़ा है, बस मैं मेरी सिक्स सेंस का इस्तेमाल करके एक शब्द आपके सामने ज़रूर पेश करना चाहूँगा कि जल्द ही, मतलब मुझे ऐसा लगता है जल्द ही, शायद 2024 के इलेक्शन से पहले पहले आप देखेंगे इस देश में मंत्री बनने की योग्यता घोषित की जाएगी, एजुकेशन टू बिकेम द मिनिस्टर इन इंडिया। इस देश में एक नया शब्द जोड़ा जाएगा, हो सकता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी जोड़ दिया जाए, एजुकेशन टू बिकेम द मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत में मंत्री बनने की योग्यता क्या होगी, ये शब्द जोड़ा जाना चाहिए, और अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री ये इनिशिएटिव लेकर जाते हैं तो हैट्स ऑफ, वो बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव होगा उनके द्वारा लिया गया, और भारत के इतिहास में, भारत के इतिहास के सुनहरे पन्नों में उनका नाम शायद हमेशा के लिए अमर हो जाएगा अगर वो ये वाला इनिशिएटिव लेकर जाते हैं, ठीक। और कितने लोग सहमत है मेरी बात से एक बार प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। सवाल का जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नेशनल इनिशिएटिव फॉर द प्रोफिशिएंसी इन द रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेक्रेसी। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, वैसे मैं यार थोड़ा सा वो करंट वाली क्लास आप समझ रहे हैं, रात को 11 महीने वाला, वो 8 महीने वाला चल रहा है, वरना ये जून के जुलाई के महीने के करंट अफेयर है, तो मुझे आपको ढंग से पढ़ाने थे ये, मैं कुछ और भी जल्दी से करूँगा इसके लिए भी, कुछ और जल्दी से करूँगा ताकि ठीक रहे। सर आर्टिकल 123 और आर्टिकल 223 में क्या, 213 में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल नंबर 123 एंड 213? 123 में जो राष्ट्रपति है, जो प्रेसिडेंट है, वो ऑर्डिनेंस जारी करेगा। 123 में जो आर्टिकल है ना, उसमें प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस जारी करेगा, और 213 में गवर्नर ऑर्डिनेंस जारी करेगा, 213 में गवर्नर जारी करेगा ऑर्डिनेंस, यही डिफरेंस है। अब ऑर्डिनेंस क्या होगा, ऑर्डिनेंस का मतलब ये होगा, मान लीजिए यदि
कोई भी कार्य नहीं हो रहा है, मतलब कोई भी सेशन अभी सत्र बुलाया नहीं गया, और सत्र बुलाए बिना किसी कानून को बनाने की आवश्यकता पड़ गई तो राष्ट्रपति स्वयं अपने विवेक से, मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर अपने विवेक से वो कानून को पारित करवा देगा। और वो कानून कब तक लागू रहेगा? 6 महीने तक लागू रहेगा। उसके 6 महीने, मतलब 6 महीने का होता है ना ड्यूरेशन, 6 मंथ्स की ड्यूरेशन होती है कि भाई 6 12 महीने में 2 बार तो बैठनी ही चाहिए कम से कम पार्लियामेंट, मतलब 2 बार तो सेशन हो गई, इसीलिए 6 महीने का अंतर रखा गया। अब 6 महीने के बाद जैसे ही कोई भी सत्र आएगा तो वो 6 वीक्स तक जो कानून राष्ट्रपति ने पारित किया है वो और वैलिड रहेगा। अगर इस 6 वीक के अंदर अंदर उस कानून को पास कर दिया गया संसद के द्वारा तो वो हमेशा के लिए इम्प्लीमेंट रहेगा जब तक सरकार चाहेगी। अगर नहीं इम्प्लीमेंट किया तो 6 हफ्ते बाद वो ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाएगा, गिर जाएगा। शशांक जी, सवाल का जवाब समझ आ गया या नहीं? मैंने और बेहतरीन ढंग से आपको समझा दिया, आप बोलोगे मैं इसके ऊपर एक शॉर्ट बना के डाल दूंगा, ठीक है? व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल नंबर 123 एंड आर्टिकल नंबर 213? चलिए, द कोविन ग्लोबल कंक्लेव वॉज रिसेंटली ऑर्गेनाइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ विच कंट्री? और चिंता मत करो, आज क्लास 1 घंटे की नहीं है, मेरे ख्याल से लगभग मेरे पास 50-55 क्वेश्चन होंगे, जितनी लंबी चलेगी उतनी लंबी चलाऊंगा, पूरे कराऊंगा, सवाल छोड़ के नहीं जाऊंगा, ठीक है? आप घबराओ मत, भाई साहब गला जवाब देगा, दे जाएगा, मगर क्लास पूरी कराऊंगा 1.5 घंटे, एक अगर 1.5 घंटे चलेगी 1.5 घंटे कराऊंगा। उसके बाद 3 बजे से तुम्हारी दोबारा क्लास है, महेंद्र सिंह धोनी पढ़ाना है एक टॉपिक, 2 टॉपिक्स और पढ़ाने हैं तुम्हें, 3 टॉपिक्स और वहाँ पढ़ाऊंगा। सर न्यू अपॉइंटमेंट करा देना, आपके एग्जाम से पहले आपको सारी नई अपॉइंटमेंट मिल जाएंगी, पूरी कोशिश करूंगा कल ही करवा दूंगा। और बताइए, या संडे का रख लेते हैं। सर लास्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं बताया आपने, ऑप्शन नंबर सी था, लास्ट क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी था, ठीक, इसका जवाब दे दीजिए। द कोविन ग्लोबल कंक्लेव हाल ही में किस देश सरकार के द्वारा आयोजित करवाया गया है? यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, यूएई या फिर भारत? आंसर बता दिया था जी मैंने, ऐसा नहीं है आंसर नहीं बताऊंगा। कोविन है, कोविन की बात कर रहे हैं आप, बेसिकली समझ सकते हैं कोविन का संबंध सीधा सा भारत से है, तो कोविन ग्लोबल कंक्लेव किस देश की सरकार के द्वारा करवाया गया है? ये सरकार रहेगी आपकी भारत, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ये कंक्लेव करवाया गया है। और एक चीज़ याद रखना, बहुत बड़े बड़े फैसले अब जल्दी जल्दी आप देखते हुए देखोगे। एक बड़ा फैसला और लिया गया है, वो अभी तक वैलिड नहीं बनाया गया, मगर उसके ऊपर मैं शॉर्ट बना के डालूंगा, सुन लीजिए बड़ा फैसला क्या है। एनटीपीसी की वैकेंसीज कम कर दी गई हैं भाई, एनटीपीसी की वैकेंसी कम करने के लिए सर्कुलर जारी कर दिया गया है, और उस सर्कुलर जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट हो जाएगा तो आप समझ जाना कुछ वैकेंसीज कम हो गई हैं। आप बोलोगे सर ये इंटरनल खबर आपको कैसे पता है? जयपुर जो अपना ये वाला बोर्ड पड़ेगा ना, नॉर्थन वाला जो बोर्ड पड़ेगा, नॉर्थ ईस्टर्न वाला जो बोर्ड पड़ेगा, तो जयपुर रेलवे की ऑफिशियल साइट पे ये सर्कुलर डाल दिया गया है। उसमें उन्होंने मांग करी है बैकलॉग्स को लेकर, हमारे पास मतलब जगह कम है, इसीलिए आप एनटीपीसी की कुछ वैकेंसीज को कम कर दीजिए। 36,000 वैकेंसीज थी, थोड़ी कम की जाएंगी, और हो सकता है जब तक एग्ज़ाम हो तो कुछ वैकेंसीज और भी कम हो जाए, ठीक। सवाल का जवाब है इंडिया, सवाल का जवाब है भारत। इंडिया की भी कोई फुल फॉर्म है क्या? हाथ सर्च कर लेना प्लीज़, जैसे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूनाइटेड किंगडम, यूके, इंडिया की भी इस प्रकार से कोई फुल फॉर्म है या नहीं, हाथ ज़रूर सर्च कर लेना। द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI 2021 इज शेड्यूल टू बी हेल्ड इन गोवा, गोवा में ही होता है आप जानते हैं, नवंबर 2021। द आई एफ एफ आई 2021 विल बी हेल्ड एडिशन ऑफ द एनुअल इवेंट, वो बोल रहा है भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2021 नवंबर के महीने में गोवा में आयोजित करवाया जाएगा। IFFI 2021 वार्षिक आयोजन का कौन सा संस्करण है, ये कौन सा संस्करण होगा? यहाँ से सवाल बहुत आते हैं भाई एग्जाम में। मोनिका जी मतलब क्या, आप बताइए मुझे क्या दिक्कत है, अगर दायर कर सकेंगे पेटिशन तो दायर करने की कोशिश करेंगे। सर शशांक जी, मिनिस्टर बढ़ाने के लिए रूल आपको देखना पड़ेगा ना, आपको वो पढ़ना पड़ेगा, वेंकट चलैया समिति सन 2000, कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स कमेटी पढ़ना पड़ेगा सन 2000, अगर आप बोलेंगे तो ये भी पढ़ा दूंगा अलग से। कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स कमेटी सन 2000 आपको पढ़ना पड़ेगा, वेंकट चलैया ने सिफारिश करी थी कि 10% मंत्री बनाए जाएंगे, 10% मिनिस्टर्स बनाए जाएंगे, 10% मिनिस्टर्स बनाए जाएंगे कुल संख्या के, मतलब 545 के बनाए जाएंगे 10%, 545 ही लिखा है, 43 नहीं लिखा, क्योंकि जो दो एंग्लो इंडियंस हुआ करते थे ना उनको भी मिनिस्टर बनाने का इस देश में प्रावधान था, मगर हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसको 15% फिक्स किया था, तो मैक्सिमम 15% मिनिस्टर्स बना सकते हैं 545 में से, 545 में से मैक्सिमम 15% मंत्री बनाए जा सकते हैं, 15 डिवाइडेड बाय 100,
इससे ज़्यादा नहीं रहेगी संख्या, अगर इससे ज़्यादा संख्या करनी पड़ेगी तो संविधान में संशोधन करवाना पड़ेगा। सवाल पूछा गया था CDS के एग्जाम में, मैंने पढ़ा रखा है पहले भी। सवाल का जवाब है 52वां, 52। 53 कौन बोल रहा है भाई? 52 है बारबी का जी, बहुत बढ़िया। ठीक सर, सबने एग्ज़ाम दिया स्टैनो, बट सिलेक्शन उन सबका हुआ जिनका कोई, कौन से डिपार्टमेंट में हुआ ये बता दीजिए बस। हाँ वो लगा देते हैं उसके ऊपर, RTI लगा देते हैं उसके ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट हैज़ बीन बैक द वर्ल्ड मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन एजेंसी IPA 2021 अवार्ड बाय द IOCO ग्लोबली। वो बोल रहा है निम्नलिखित में से किस परियोजना ने OCO ग्लोबल द्वारा दुनिया की सबसे नवीन निवेश सर्वधन एजेंसी IPA 2021 का पुरस्कार जीता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है CGL वाले एग्जाम्स के लिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है CGL वाले एग्जाम्स के लिए। चलिए क्या रहेगा सवाल का जवाब? सर इससे पहले भी हो रखी है गौतम सिंधु जी, इससे पहले भी बहुत सारी क्लासेस हो रखी हैं। ठीक आपको वो भी देखनी पड़ेंगी सर प्लीज़, अगर आप चाहते हैं कि एग्ज़ाम में 100% आपकी एक्यूरेसी बनी रहे तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आप मेरी पूरी सीरीज देखकर जाइए और यहीं आपके कमेंट ज़रूर देखूंगा आपके एग्ज़ाम के बाद। आप निराश होते हुए यहाँ कमेंट नहीं करेंगे, मेरी माता रानी ने चाहा, ईश्वर ने चाहा, टचवुड, आप निराश होते हुए यहाँ कमेंट नहीं करेंगे, आप खुशी से कमेंट करेंगे कि सर 12 क्वेश्चन आपके थे, 12 क्वेश्चन सर आपके थे, बाकी 10 मुझे आते थे, 22 अटैम्प्ट करके आया हूँ एक्यूरेसी के साथ। CHSL में रिकॉर्ड है बच्चा 24 अटैम्प्ट करके आया 24 एक्यूरेसी के साथ। क्या रहेगा सवाल का जवाब? इन्वेस्ट इंडिया है सवाल का जवाब, ऑप्शन नंबर सी है सवाल का जवाब, क्लियर। चलिए जी बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी। ये भाई साहब पढ़ना पड़ेगा, पॉलिटी का टॉपिक है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन हैज सॉट हेल्प फॉर द ऑर्गेनाइजेशन फॉर टेक्निकल असिस्टेंस टू स्टार्ट सैटेलाइट TV क्लासरूम इन इंडिया। दोबारा से देख लीजिए, शिक्षा पर संसदीय स्थायी समिति ने भारत में सैटेलाइट TV कक्षाएं शुरू करने के लिए तकनीकी सहायता के लिए किस संगठन से मदद मांगी है? आप देख नहीं रहे हैं, आप नोटिस नहीं कर रहे हैं सर, आप लोग नोटिस नहीं कर रहे हैं, इवन मैम्स आप नोटिस नहीं कर रहे हैं। कोरोना तो चल रहा है, कोविड चल रहा है, मैं बिल्कुल मानता हूँ, मगर कोविड के चलते चलते ना इंसान को घर से बाहर निकलने से रोकने के लिए पूरी की पूरी प्लानिंग की जा रही है, पूरी की पूरी प्लानिंग की जा रही है इंसान को घर से बाहर निकलने के रोकने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है पर्सनली ग्लोबल वार्मिंग भी डे बाय डे बढ़ रही है और बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाएगी कि इंसान घर से बाहर निकल ही नहीं पाएगा। इसीलिए इंसान को घर में सारी फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, खाना आपके घर आ रहा है, फूड डिलीवरी ऐप्स आप देख रहे हैं, खाना सर आपके घर क्यों आ रहा है कभी आपने सोचा ही है? घर से बाहर निकलने का टाइम नहीं है क्या आपके पास? वेजिटेबल्स आपके घर आ जाती हैं सर, वेजिटेबल्स आपके घर आ जाती हैं सर, मिल्क डिलीवरी होना आपके घर हो गई शुरू। ठीक अगर सर आपको नारियल पानी तक पीना है ना, अगर आपको कोकोनट वाटर तक पीना है तो वो भी आपके घर आ जाएगा सर, पानी की डिलीवरी आपके घर होती है सर, इवन पूरे भारत में हर जगह मेरे हिसाब से पानी की डिलीवरी घर शुरू हो गई है, घर होती है सर। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी घर, फोन रिचार्ज घर, इंटरनेट घर, इसके अलावा कोई भी दिक्कत घर, ऑफिस घर, ऑफिस भी कहाँ आ गया सर, आपका ऑफिस भी घर आ गया। स्कूल्स कहाँ आ गए सर, स्कूल्स आपके घर आ गए। एजुकेशन कहाँ आ गई सर, एजुकेशन आपके घर आ गई। तो क्या कुछ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है सर? ठीक जी बहुत बढ़िया। क्या रहेगा सवाल का जवाब? 8वां सवाल स्क्रीन पर है, सवाल का जवाब है इसरो। तो जब तक आप समझ पाएंगे इस चीज़ को बहुत दूरी तक निकल चुके होंगे। सवाल का जवाब है इसरो। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना की गई थी 15 अगस्त 1969 को, जिसकी स्थापना की गई थी 15 अगस्त 1969 को। देखिए यार इंसान को बचाना तो है, तो बचाना है तो घर में ही रखना पड़ेगा, बस यही तैयारी की जा रही है। फ्लिपकार्ट हैज़ पार्टनर्ड विद विच पेमेंट प्रोवाइडर टू लॉन्च कॉन्टेक्ट लेस स्कैन एंड पे फीचर फॉर द पे ऑन डिलीवरी ऑर्डर्स। खुद देखिए सर, फ्लिपकार्ट ने पे ऑन डिलीवरी ऑर्डर के लिए कॉन्टेक्ट लेस स्कैन एंड ऐप फीचर लॉन्च करने के लिए किस भुगतान प्रदाता के साथ साझेदारी की है? मतलब आपके घर आएगा ऑर्डर, आपके पास कैश अगर नहीं है तो आप क्या करेंगे, वो एक एप्लीकेशन शो करेगा, आप फोन से स्कैन करेंगे और पे कर देंगे। अगर आपने कैश ऑन डिलीवरी ही मंगवाया है तो ये फीचर नया जोड़ा जाएगा फ्लिपकार्ट के द्वारा। अब सवाल ये है सर, इसरो चीफ को वनकर्णन अवार्ड दिया गया है, ये अवार्ड क्या है? सर मैंने एक बार देखा नहीं है, मैं ज़रूर एक बार देखकर आपको क्लेरिफाई कर दूंगा। चलिए क्या रहेगा सवाल का जवाब? सवाल का जवाब है फ़ोनपे। जल्दी से बता दीजिए फ़ोनपे के ब्रांड एम्बेसडर कौन है?
हु इज़ द करंट ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फोनपे, फोनपे के करंट ब्रांड एम्बेसडर कौन है, एक बार जल्दी से कमेंट करके इनका नाम बता दीजिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको ले चलता हूँ। अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, हु हैज़ बिन रोब्ड इन एज अ न्यू CEO ऑफ Amazon INC टू रिप्लेसेबल जेफ बेजोस, जेफ बेजोस को बदलने के लिए Amazon Inc. Amazon INC के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, एंडी जैजी, लॉरेंस सैंचेस, एडम सैलिपिस्की या फिर डैन जुएट। चलिए भाई जवाब दीजिए। गौतम जी यहाँ से आपका GD क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है, GD आपके लिए पूरा पूरा 100% क्वालिफाई की तरफ आप बढ़ेंगे। कल 2 बजे क्लास रखिए प्लीज़, आप सभी से दरखास्त है, रिक्वेस्ट है, कल 2 बजे क्लास है, 2 बजे 100 क्वेश्चन। देखिए भाई मेरे 3 दिनों से आप देख रहे हैं कि 30-30, 40-40 का टारगेट था मेरा, वो मिस हो रहा है, तो कल एक दिन में 100 मिनट 100 क्वेश्चन, 1 घंटे 40 मिनट क्लास चलेगी, 100 मिनट लूँगा, 100 क्वेश्चन करवा दूंगा, ताकि थोड़ा सा जो हमारी प्रोसेस है वो फास्ट हो जाए। क्या रहेगा सवाल का जवाब, एंडी जैजी, लॉरेंस एजिस, तो कल का अलार्म लगा लेना 2:00 PM का, कल 2:00 PM क्लास है, सभी लोग आना प्लीज़। कौन है भाई बता दीजिए, सवाल का जवाब क्या रहेगा, सवाल का जवाब रहेगा एंडी जैजी, ठीक, ऑप्शन नंबर ए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर के पास जो भी आता है जी बिल्कुल, आप चिंता मत कीजिए, आप परेशान मत होइए। देखिए यार टेक्निकल फॉल्ट अगर होगा तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, मगर आप ब्लेम मुझे कीजिए, मैं मना नहीं करूँगा, ठीक, मगर सिलेबस पूरा करवा दूंगा एग्जाम से पहले। गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली एक्सटेंडेड द सुप्रीनेशन एज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इंडिया चेयरमैन, व्हाट इज़ द रिवाइज्ड एज ऑफ द सेम। सरकार ने हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष की सेवानिवृत्त की आयु बढ़ा दी है, उसी के लिए संशोधित आयु क्या है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ठीक। LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जिसकी स्थापना की गई सन 1956 में, जल्दी से बता दीजिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। भाई आज कसम खा रहा हूँ यहाँ खड़े होके, गॉड स्वेयर कसम खा रहा हूँ आज खड़े होके यहाँ पे तुम्हारे सामने शपथ ले रहा हूँ, आज से जिम ज्वाइन करूँगा, आज से मतलब जाके जिम की बात करूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है मेरी बॉडी ना उतनी ज़्यादा फैमिलियर नहीं रही है। आपने देखा है पहले यार मैं थोड़ा ज़्यादा लंबे समय तक अच्छे से कर लेता था, मगर अब मेरी बॉडी उतनी फैमिलियर नहीं रही है, खाना मुझे मिलता नहीं है, मैं वर्कआउट जीरो कर रहा हूँ, तो मैं आज से ही जाकर बात करूँगा और भाई साहब जिम का प्रोग्राम अब शुरू कर दूँगा, मगर तुम्हारा टाइम डिस्टर्ब नहीं होगा, उससे थोड़ी सी कैपेबिलिटी और जो है ना थोड़ी सी और लंबी इंक्रीज़ होगी। चलिए सर नेपाल के नेशनल बर्ड कौन से हैं, यार ये मतलब किस प्रकार के सवाल पूछ रहे हो कि नेपाल के नेशनल बर्ड कौन से हैं, ये भी यहाँ पर इनको मत लाइए, मैंने देखो नेपाल से संबंधित क्वेश्चन करवाए हैं, नेपाल पार्लियामेंट करवाया है, नेपाल प्रोविंसेस करवाया है, 7 प्रोविंसेस हैं, इसके अलावा भी मैंने करवाया, और मैंने जो बर्ड करवाया था मुझे याद है रैबिन वाला बर्ड करवाया था ना, और रैबिन करवाया था मैंने मेरे ख्याल से नेपाल वाला ही, अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो रैबिन वाला मिलेगा मेरे ख्याल से, अगर आपको याद हो यार रैबिन आपको भूटान मिलेगा, रैबिन आपको भूटान मिलेगा, नेपाल नहीं मिलेगा, ठीक, अगर आप बोलोगे पूरे के पूरे नेपाल वेपाल भी करा दूंगा, इसी वीक में करा दूंगा, ये नेपाल भूटान बांग्लादेश म्यांमार श्रीलंका मालदीव्स अफगानिस्तान ये सब आपको करा दूंगा इसी वीक में। चलिए रैबिन तो भूटान का है, देखिए भाई मैं बता रहा हूँ मेरी यादाश्त अच्छी खासी शार्प है, मैं अपने आप को उस वाली क्लास में ले गया था इतनी देर में जितनी देर में आपने बोला। सवाल का जवाब है 62 ईयर्स 62 साल, 70 वाले गलत हैं, सवाल का जवाब है 62 ईयर्स 62 साल, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक चीज़ आपसे और पूछना चाहूँगा, सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट आयु क्या है, सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट आयु क्या है, और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की रिटायरमेंट एज क्या है, ठीक, सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट आयु क्या है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की रिटायरमेंट क्या है, और एक सवाल आपसे और पूछना चाहूँगा, सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए मिनिमम एज क्या है, सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए मिनिमम एज क्या है। चलिए भाई जवाब दीजिए इसका जल्दी से, और मेरे को ना वो दो दिन तुम्हारे टॉपिक थे वो बता देना, एक तो आर्टिकल नंबर 123 था तुम्हारा, 213 था इसमें तुम्हें डाउट था, और शशांक जी एक टॉपिक आपने और बोला था ना पॉलिटी का, वो भी मुझे बता देना, उस पर वीडियो बना के आज ही डाल दूंगा ताकि तुम्हें देखना ना पड़े। 62, 65 और 35, बहुत बढ़िया। चलिए LIC का हेडक्वार्टर आपको मुंबई में नज़र आएगा, बहुत उम्दा। चलिए क्लास को लाइक और शेयर एक बार कर दीजिए भाई जवाब के जल्दी से फटाफट से, कहाँ पर हैं सभी, क्या रहेगा सुप्रीम कोर्ट के, एक एक जवाब दे रहे हैं आप सभी एक साथ, सभी जवाब चाहिए मुझे। देखिए सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज क्या है, 62 साल है 62 ईयर्स। सुप्रीम कोर्ट के CJI की, सुप्रीम कोर्ट के CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो इसकी इनकी एज कितनी मिलेगी, इनकी एज मिलेगी आपको 65 साल 65 ईयर्स, ठीक।
तो ये 62 और 65 हो गया, एक तो ये जवाब हो गया। इसके अलावा मिनिमम एज क्या है जज बनने की, तो नो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, नो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड रहेगा। यहां पर सवाल का जवाब ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक। एक चीज और याद रख लेना, यहां पे हाई कोर्ट के जज की रहेगी, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट के जज की ये हो जाएगी, सीजीआई की भी ये हो जाएगी और जज की भी रहेगी। मैं एक बार जल्दी से ये पूरा पॉइंट कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ आपको, क्योंकि एजेस वाला जो टॉपिक रहेगा वो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। एक बार जल्दी से ये एजेस वाला टॉपिक नोट कर लीजिए, मैं 2-3 एजेस आपको करवा देता हूँ, थोड़ा सा थ्योरी वाला पोर्शन भी करना जरूरी है। एक बार जल्दी से देख लीजिए, एज एज देख लीजिए, यहाँ मैं लिख देता हूँ मिनिमम एज, यहाँ मैं लिख देता हूँ मिनिमम एज और यहाँ लिख देता हूँ मैक्सिमम एज, ठीक है। यहाँ लिख दी मैंने मिनिमम, यहाँ लिख दी मैंने मैक्सिमम। अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट के जज की, आप सीधा सुप्रीम कोर्ट का जज करिए, इसमें चीफ जस्टिस को भी कंसीडर कर लीजिए, रिटायरमेंट एज कितनी हो जाएगी, 65 ईयर्स हो जाएगी, 65 वर्ष। उसके बाद कर लीजिए हाई कोर्ट के जज की, उसके बाद कर लीजिए हाई कोर्ट के जज की कितनी हो जाएगी एज, यहाँ हो जाएगी 62 साल, 62 ईयर्स। मिनिमम एज कितनी हो जाएगी यहाँ पे, नो क्वालिफिकेशन मतलब नो एज मेंशन कर लीजिए, नो एज मेंशन, मिनिमम एज के बारे में नहीं दे रखा। इसके बाद यहाँ पर लिख लीजिए राष्ट्रपति वाली, आप जानते ही होंगे प्रेसिडेंट की मिनिमम एज कितनी रहेगी, तो राष्ट्रपति की मिनिमम एज रहेगी 35 साल। गवर्नर की कितनी रहेगी, गवर्नर की रहेगी 35 साल। राज्यसभा मेंबर बनने की कितनी रहेगी, रहेगी 30 साल। लोकसभा का मेंबर बनने की कितनी रहेगी, रहेगी 25 साल। इसके अलावा विधानसभा का मेंबर बनने की कितनी रहेगी, 25 साल रहेगी। विधान परिषद का मेंबर बनने की कितनी रहेगी, 30 साल रहेगी। पंचायत का मेंबर बनने की कितनी रहेगी, पंचायत का मेंबर बनने की रहेगी 21 साल। म्यूनसिपालिटीज़ का मेंबर बनने की कितनी रहेगी, 21 ईयर्स रहेगी। वोट डालने की आयु क्या रहेगी, 18 साल। मैरिज करने की एज क्या रहेगी, बॉयज़ की 21 ईयर्स। मैरिज करने की गर्ल्स की एज कितनी रहेगी, 18 साल रहेगी, ठीक। राष्ट्रपति की अगर मैक्सिमम एज की बात करें तो नो, यहाँ पर नो, यहाँ पर नो, यहाँ पर नो, यहाँ पर नो, इन सभी में मैक्सिमम जितने भी आपके सामने लिखे हुए हैं सभी में मैक्सिमम एज को कर देना नो। यहाँ पर नो कर दीजिए, यहाँ पर नो कर दीजिए, वोटिंग डालने की एज नो कर दीजिए, शादी की कोई सीमा नहीं है, जब आपका दिल करे तब कर लीजिए, ठीक। किसी का कोई डाउट है तो जल्दी बताइए कमेंट करके, मैंने पूरा का पूरा जो अपना ये रहेगा, जो पूरा का पूरा रहेगा एज वाला, मैंने जो बेसिक बेसिक एज है वो बेसिक बेसिक सारे ही कर दिए आपके सामने, ठीक। सर मुझे समझ नहीं आता कहाँ से पढ़ूँ, कितना पढ़ूँ, कैसे पढ़ूँ। अच्छा वो वाला बिल पारित हुआ नहीं है यार, एज वाला अभी, ठीक 21 ही करिए आप, वीएसपी वीपी क्या है सर, विधानसभा है ये, विधानसभा है ये, विधान परिषद है, विधान परिषद की 30 हो गई, विधानसभा की 25 हो गई, लोकसभा की 25 हो गई, राज्यसभा की 30 हो गई, गवर्नर की 35 हो गई, राष्ट्रपति की 35 हो गई। सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की नो लिमिट है, हाई कोर्ट में जज बनने की नो लिमिट है एज में। अगर बात करें मैक्सिमम 65 हो गई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की 65 हो गई, हाई कोर्ट की हो गई 62। हाई कोर्ट की पहले 60 हुआ करती थी, संविधान संशोधन करवाया गया 15th अमेंडमेंट करवाया गया, ठीक। और कितनी कर दी गई एज, एज कर दी गई इसकी 62, ठीक। मगर आप अमेंडमेंट यहाँ से याद मत रखिए, आप सीधा याद रखिए अभी एज कितनी है, एज है यहाँ पे 62 साल। चलिए रजा सक्सेना जी आप बताइए, सर सीजीआई एंड पीएम की सैलरी सेम है ना, अरे 160,000 है प्रधानमंत्री की, पीएम की 160,000 है, और अगर बात करें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तो उनकी मिलेगी 2.80 लाख, उनकी 2,80,000 है, 2.80 लाख है उनकी सैलरी, ठीक। चलिए जी उम्मीद करूँगा ये वाला पॉइंट आपको समझ आ गए होंगे और आपने नोट भी कर लिए होंगे ढंग से। चलिए जी क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, फटाफट से क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन। लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए भाई कौन है इसका लेखक जी। मैंने देख लिया रजत सक्सेना जी, आपकी कमेंट देख ली, जवाब भी दे दिया मैंने।
सैलरी सेम नहीं है, मैंने बता तो दिया, डोंट वरी, सैलरी सेम नहीं है। मानव जी आपका क्या डाउट था, देख लेता हूँ मैं आपका क्या डाउट था। अच्छा आपका डाउट अलग से क्लियर कर देंगे जी, आप चिंता मत कीजिए। क्या रहेगा सर, दो एंग्लो अब नहीं रहेंगे, ये वाला कौन सा संविधान संशोधन है, आप चिंता मत कीजिए, इसके लिए मैंने पूरी की पूरी वीडियो डाल रखी है शशांक जी, आप मेरी वीडियो देख लीजिए, वाईफाई 2.0 पे, इवन प्लेइंग विद जीके पे भी वीडियो पड़ी है, अच्छे खासे व्यूज़ मिलेंगे आपको, 7,500-8,000 के आसपास व्यूज़ हैं उसमें, एक बार आप देख लीजिए उसे। इस किताब का लेखक कौन है, ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, सुधा मूर्ति, कविता राव, झुंपा लहरी या फिर मेधा पाटकर। चलिए क्या रहेगा सवाल का जवाब, जल्दी जवाब दीजिए। ऑप्शन है सुधा मूर्ति, ऑप्शन है कविता राव जी, ऑप्शन है झुंपा लहरी जी, या फिर ऑप्शन है आपके सामने मेधा पाटकर जी। चलिए देखते हैं कितने सारे विद्यार्थी इस सवाल का जवाब सही दे पाएंगे। एग्जाम में पूछा जा सकता है भाई, ये बिल्कुल रिसेंटली क्वेश्चन है, नया ही क्वेश्चन है, नया सवाल है बिल्कुल, ठीक बिल्कुल नया सवाल है, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। चलिए बहुत बढ़िया, सभी का ठीक, मतलब सभी ने बहुत बेहतरीन जवाब दिया है। सवाल का जवाब क्या है, सवाल का जवाब है कविता राव। सुधा मूर्ति जी वाला जो जवाब दे रहे थे उन सभी का जवाब गलत है, सवाल का जवाब रहेगा कविता राव, ऑप्शन नंबर बी रहेगा सवाल का जवाब, एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सर पॉलिटी बिल्कुल नहीं आती हमें, ठीक है आप रात को आइए 9:30 बजे, आपको समझाते हैं पॉलिटी, आज रात को 9:30 बजे आइए, कविता राव जी रहेगा सवाल का जवाब, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द विनर ऑफ 2021 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 के विजेता का नाम बताइए। चलिए ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 के विजेता का नाम बताइए, कौन है ऑस्ट्रेलियन जिन्होंने जिन्होंने जीता है ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स। ग्रैंड प्रिक्स का मतलब है वो जो रेस होगी ना, कार रेसिंग वाली रेस होगी, उसकी बात कर रहे हैं। तो नेम द विनर ऑफ 2021 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स, लुइस हैमिल्टन, मैक्स वेरस्टैपन, वाल्टेरी बोटास या फिर चार्लिस लैरिक। सीधा जवाब दे दीजिए, सवाल का जवाब रहेगा मैक्स वेरस्टैपन, सवाल का जवाब रहेगा मैक्स वेरस्टैपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्स्टन वॉरलोम वॉरहोम हैज रिसेंटली ब्रॉक द वर्ल्ड रिकॉर्ड इन 400 मीटर हर्डल्स बाय क्लॉकिंग 46.7 सेकेंड्स एज अगेंस्ट द प्रीवियस रिकॉर्ड ऑफ 46.78 सेकेंड 29 ईयर्स बैक। द एथलीट वॉरलोम इज फ्रॉम विच कंट्री, वो वाली रेस होती है ना हर्डल वाली, जंप करने वाली, मीटर बाधा वाली जो रेस होती है, उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है, कास्टम वॉरहोम ने हाल ही में रिकॉर्ड तोड़ दिया है, 29 वर्ष पुराना रिकॉर्ड था। सवाल ये है किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, बताइए सवाल ये है किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। सर मैथ्स हार्ड आती है क्या सीएचएसएल के एग्ज़ाम में, हरियाणा कांस्टेबल में भाई साहब एक एक नंबर की मैथ्स आएगी सर, दोनों ही एग्ज़ामों में एक नंबर की मैथ्स आएगी, बहुत बेहतरीन लेवल की। चलिए जी जवाब दीजिए, क्या रहेगा सवाल का जवाब फटाफट से। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स वाला एक वीडियो दे दूँ, ठीक है मैं बना देता हूँ एक वीडियो, वैसे एक वीडियो मैंने बना रखा है ऑलरेडी, आपने देखा था मैंने एक साथ बहुत सारे आर्टिकल्स लिखवाए थे। सवाल का जवाब है नॉर्वे, सवाल का जवाब क्या है, सवाल का जवाब रहेगा नॉर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है स्क्रीन पर, विच डे ऑफ द ईयर ऑब्जर्व्ड एज द वर्ल्ड ज़ूनोसिस डे, वर्ष के किस दिन को विश्व ज़ूनोसिस डे के रूप में मनाया जाता है, 6 जुलाई, जुलाई का पहला सोमवार, जुलाई 5 या फिर ट्यूजडे 1 जुलाई। क्या रहेगा सवाल का जवाब, जवाब दीजिए, सवाल का जवाब रहेगा यहाँ पे 6 जुलाई को सालाना क्या मनाया जाता है, ज़ूनोसिस डे मनाया जाता है। एग्ज़ाम के लिए याद रखिए, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जुलाई वाले करंट अफेयर भी तुम्हें करवा दूँ, क्योंकि DSSB वाले एग्ज़ाम की डेट भी आ गई है, अगस्त के महीने में एग्ज़ाम है, तो कहीं ना कहीं मुझे जुलाई के करंट अफेयर को भी लेके चलना पड़ेगा। जून वाले तो मैंने काफ़ी हद तक करंट अफेयर करवा दिए थे, उसके पुराने भी मैंने करवाई रखे हैं। नेशनल यूथ डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन एवरी ईयर, अब ये आ गए हैं जनवरी के महीने के करंट अफेयर, ये जुलाई के 2 दिन के मैंने करवा दिए हैं, साथ में 5-6 जुलाई करवा दिया है। सवाल है नेशनल यूथ डे कब ऑब्जर्व किया जाएगा, नेशनल युवा दिवस कब मनाया जाएगा, 10 जनवरी, 12 जनवरी, 11 जनवरी या 9 जनवरी। बहुत बेसिक सवाल है, 12 जनवरी को सालाना मनाया जाएगा, विवेकानंद साहब की जयंती के रूप में मनाया जाएगा, स्वामी विवेकानंद साहब की जयंती के रूप में। सवाल का जवाब रहेगा 12 जनवरी, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है स्क्रीन पर, व्हाट इज़ द प्रोजेक्टेड जीडीपी ऑफ इंडिया एज पर ICRA फिस्कल 21-22, फिस्कल जीडीपी भारत की क्या रहने वाली है वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए,
आईसीआरए के अनुसार भारत की अनुमानित जीडीपी क्या रहने वाली है? 10.1, 9.5, 8.9 या फिर 11.6%? चलिए, और ये सवाल पुराना है सर, वर्ल्ड यूथ डे कब मनाएंगे? सर वो मनाएंगे 12 अगस्त को, ठीक कादिर राणा जी, वो मनाएंगे 12 अगस्त को जी। बिल्कुल आएगी जी, मैथ्स सी साइड में मैथ्स नहीं आएगी आपके, सी साइड में मैथ्स आएगी जी आपके। 10.1, 9.5, 8.9 या फिर 11.6%, इसीलिए वो केवल और केवल क्वालिफाइंग है। 10.1% रहेगा सवाल का जवाब, 10.1%। और ये पूरा जनवरी का क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रख लेना प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है स्क्रीन पर। द कोस्टल रिसर्च वेसल सागर अवनिशेक हैज रिसेंटली बीन इनॉग्रेटेड बाय डॉक्टर हर्षवर्धन एट विच पोर्ट? डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में किस बंदरगाह पर तटीय अनुसंधान पोत सागर अवनिशक का उद्घाटन किया है? मुंबई पोर्ट में, प्रदीप पोर्ट में, चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट में या फिर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट में? क्या रहेगा सवाल का जवाब, जल्दी जवाब दीजिए। सर स्टैनो में मैथ्स नहीं, स्टैनो में मैथ्स नहीं आएगी, एसएससी वाले। मुंबई पोर्ट, प्रदीप पोर्ट, चेन्नई पोर्ट या फिर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट? अब निशेक की बात कर रहा है, वो कहाँ पर इसको इनॉग्रेट किया गया है, सवाल ये है। सवाल का जवाब है चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट में इसे इनॉग्रेट किया गया था डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। जनवरी 2021 का सवाल है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि CHSL का एग्ज़ाम बीच में रोक दिया गया था, उसमें जनवरी तक के और दिसंबर तक के करंट अफेयर पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है, विच कंट्री इज फोकस कंट्री ऑन द 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल IFFI, जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल भारत के 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश कौन सा था? पुराना सवाल है, ठीक है, 52वां तो आपने अभी देखा है, गोवा में नवंबर में करवाया जाएगा। यहाँ पे सवाल है पुराना, इस साल का मतलब पुराना स्टार्टिंग का सवाल है ये, उसका कौन सा था फोकस कंट्री? सवाल का जवाब रहेगा बांग्लादेश था उसमें फोकस कंट्री। कौन सा कंट्री था उसमें फोकस कंट्री? तो बांग्लादेश उसमें फोकस कंट्री था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है स्क्रीन पर। नेम द कॉफी टेबल बुक ऑन PM मोदी लॉन्च ड्यूरिंग द ओकेजन ऑफ 2021 प्रवासी भारतीय दिवस। 2021 प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर लॉन्च की गई PM मोदी पर कॉफी टेबल बुक का नाम बताइए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा ही पूछे जाने के चांसेस रहेंगे। चलिए क्या है नाम, फटाफट से नाम बताइए, बुक का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, सी या डी? देखते हैं कितने सारे विद्यार्थी सवाल का जवाब सही दे पाएंगे, फटाफट से जवाब देने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन है मोदी इंडिया स्टोरी, मोदी रिस्पॉन्स टू चैलेंज, मोदी मोदी या जर्नी और मोदी इंडिया कॉलिंग। क्या रहेगा सवाल का जवाब, जल्दी जवाब दीजिए भाई। इस क्वेश्चन के डायरेक्ट चांसेस रहेंगे कि डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाए। क्या रहेगा सवाल का जवाब, जल्दी जवाब दीजिए। बीजेपी प्रेसिडेंट, जो दिल्ली के बीजेपी प्रेसिडेंट है, उनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया था, आदेश गुप्ता जी के द्वारा। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सवाल का जवाब है मोदी इंडिया कॉलिंग, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। सवाल का जवाब रहेगा मोदी इंडिया कॉलिंग, इसमें मोदी जी के ऊपर जो था फोटोग्राफ भी थी, ठीक, 405 पेजों की बुक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन चूजन एज अ ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ BCCI फॉर द ICC बोर्ड मीटिंग? ICC बोर्ड बैठक के लिए BCCI के आधारिक प्रतिनिधित्व के रूप में किसे चुना गया? ब्रिजेश पटेल, सुनील गावस्कर, जय शाह या फिर राजीव शुक्ला साहब को? किसे चुना गया सवाल यहां पर यह है, जल्दी जवाब देने की कोशिश कीजिए भाई। BCCI की जो ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जो मीटिंग हुई ICC की, उसमें बोर्ड ऑफ मीटिंग हुई, उसमें भारत की तरफ से किसे चुना गया? सवाल का जवाब है जय शाह, अमित शाह जी के बेटे जय शाह जी को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है, द कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल KIFF 2021 हैज बीन ऑर्गेनाइज फ्रॉम जनवरी 8 टू जनवरी 15, 2021। द इवेंट इज विच एडिशन ऑफ द एनुअल प्रोग्राम? कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की वो बात कर रहा है, 2021 का आयोजन हुआ 8 से लेकर 15 जनवरी। सवाल यहाँ पर यह है, यह कार्यक्रम वार्षिक कार्यक्रम का कौन सा संस्करण था? 26वां, 31वां, 22वां या फिर 35वां? चलिए, कौन सा संस्करण था भाई? लाइट इतनी क्यों जा रही है? क्योंकि ACOं की मांग बढ़ रही है, आप समझ सकते हैं जब ACOं की मांग बढ़ेगी तो दिक्कत तो होने ही वाली है। ACOं की मांग बढ़ रही है, ACOं की डिमांड बढ़ रही है, अब AC जब ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जाएंगे तो लाइट की खपत भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी। अब लाइट की खपत ज़्यादा बढ़ेगी तो सर लाइट जाएगी भी। उस दिन घर गया था, आपको याद होगा, कुछ दिनों पहले तो पूरी रात लाइट नहीं आई यार, पूरी रात लाइट नहीं आई।
सर बिना मैथ्स में इंटरेस्ट बनाए एग्ज़ाम क्वालिफाई करना मुश्किल होगा, बनाना पड़ेगा आपको मैथ्स में इंटरेस्ट। मजाक मत लीजिए, अगर देखिए आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो मैथ्स में इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा। सवाल का जवाब है 26, 26, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके दिमाग को शार्प बनाएगा, स्ट्रॉन्ग बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वॉज द प्रोफेशन ऑफ श्री तुर्लापति कुटुंब राव हु हैज़ बीन पास्ड अवे रिसेंटली। श्री तुर्लापति कुटुंब राव जिनका हाल ही में निधन हो गया, का पेशा क्या था? अभिनेता थे, जर्नलिस्ट थे, पॉलिटिशियन थे या फिर फिल्म मेकर थे? क्या थे सर, ये जवाब दीजिए। जिनका निधन हो गया उनका संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था? एक्टर थे, जर्नलिस्ट थे, पॉलिटिशियन थे या फिर फिल्म मेकर थे? सवाल का जवाब रहेगा जर्नलिस्ट थे वो, पत्रकार थे। याद रखना श्री तुर्लापट्टी कुटुंब राव, श्री तुर्लापट्टी कुटुंब राव जिनका निधन हुआ था जनवरी 2021 के महीने में, उनका संबंध किससे था? जर्नलिज्म से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ कमिटेड ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस लोन ऑफ रुपीज़ 2,113 करोड़ टू सपोर्ट द कोविड 19 रिलीफ एफर्ट। भारत के कोविड 19 राहत प्रयासों को समर्थन करने के लिए किस देश ने 2113 करोड़ रुपए का आधिकारिक विकास सहायता ऋण दिया है? रूस ने, जर्मनी, ब्रिटेन या जापान? किसने दिया था भाई ऋण हमें? बहुत बढ़िया, सवाल का जवाब क्या है? सवाल का जवाब है जापान। सवाल का जवाब क्या है? जापान। भाई सब जर्मनी तो खुलेआम बोल रहा है कि भारत ने काम नहीं किया, तो जापान एक फेवरिंग कंट्री है, ध्यान रखना इस बात को। इस प्रकार का अगर सवाल आ जाए तो कहीं ना कहीं आप टिक कर सकते हो। रशिया, रशिया ठीक है, बहुत फेवरिंग कंट्री हमारी, मगर कहीं ना कहीं सवाल का जवाब क्या है? सवाल का जवाब है जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है, द नेशनल रोड सेफ्टी मंथ 2021 विल ऑर्गेनाइज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे फ्रॉम। वो बोल रहा है राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2021 का आयोजन करवाया गया किसके द्वारा? तो परिवहन और राज्य मार्ग मंत्रालय के द्वारा, जिसके मंत्री कौन है? नितिन गडकरी साहब। बदले गए या नहीं बदले गए बता दीजिए। तो सवाल ये है, कब से कब तक ये मंथ को आयोजित किया गया? चलिए जवाब दीजिए भाई, कब से लेकर कब तक इस मंथ को आयोजित किया गया, महीने को आयोजित किया गया? 18 जनवरी से लेकर 17 फरवरी तक इसे आयोजित किया गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा। सर कैसे करें मैथ्स? पहले बेसिक बेसिक मैथ्स कीजिए सर। अगर आपको मैथ्स में दिक्कत है तो आप 8वीं क्लास वाली मैथ्स उठाइए, 6ठी क्लास की आप अगर कॉपी उठाएंगे, 7वीं क्लास वाली अगर आप बुक उठाएंगे ना, तो उसमें आपको पीछे मतलब वो पन्नों पे जो एक्सरसाइज वाले पेज होते, ख़त्म हो जाता था ना चैप्टर, उसके बाद जो मिसलिनियस शुरू होता था, वहाँ मिसलिनियस में वो सवाल मिलेगा आपको कैंडल वाला, कि एक कैंडल जल रही थी और वो जल गई दो तिहाई, वो जल गई कैंडल दो तिहाई, बताइए उस कैंडल को बर्न होने में कितना समय लगा? वो वाले डायमंड वर्क वाला जो क्वेश्चन है वो भाई साहब यहाँ मिलेगा आपको। वो जो डायमंड वर्क वाला क्वेश्चन है ना कैंडल वाला, वो कैंडल वाला क्वेश्चन आपको 7th क्लास वाली बुक में मिलेगा जितना मुझे याद है। सवाल का जवाब है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है, व्हेन इज द वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेटेड ग्लोबली? विश्व हिंदी दिवस ग्लोबली पूरी दुनिया में कब मनाया जाता है? वो कैंडल वाला क्वेश्चन, वो टोपी वाला क्वेश्चन, कि वो एक लड़का जा रहा था बोट में बैठेगा, बोट में बैठकर जब वो आधे रास्ते पहुंचेगा, वो क्वेश्चन तो तुमने किया होगा, बहुत फेमस क्वेश्चन रहा है वो। वो जब आधे रास्ते पहुंचेगा तो नाव में आधे रास्ते पहुंचेगा, हवा की गति बहुत तेज होगी और टोपी उड़कर चली जाएगी पीछे, ठीक है? उसके बाद वो अपनी बोट को मोड़ेगा, वो बोट को वैसे वाला डायग्राम बनता था जिसका, ऐसे वाला डायग्राम जिसका बनता था कि ये भाई साहब पानी हो गया, ये पानी हो गया, ये लड़का नाव लेके जा रहा है, यहाँ किनारे से शुरू करा उसने, जब वो यहाँ आधी दूरी पर पहुँचेगा, यहाँ पर पहुँचेगा, हवा पीछे की तरफ भैरी होगी, उसकी टोपी उड़ जाएगी, वो यहाँ से इस नाव को मोड़ेगा, ठीक, मतलब आगे जाके उसे पता चलेगा नाव की उसकी टोपी उड़ गई है, जब तक वो यहाँ जाएगा तब तक भी उसकी जो कैप है वो भी यहाँ तक पहुँच जाएगी। बताइए बच्चे ने कितना डिस्टेंस कवर किया, जो इस प्रकार का सवाल पूछा जाता था, ठीक है? मेरे ख्याल से इसका 22 किलोमीटर के आसपास सवाल था, मैं भूल गया हूँ आंसर, तो ये सवाल भी आपको मिलेगा एनसीईआरटी की किताब में, ठीक, याद है ये वाला सवाल पढ़ा है, ये सवाल भी तुम्हें एनसीईआरटी की किताब में मिलेगा। सवाल का जवाब है 10 जनवरी, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, कैंडल वाला क्वेश्चन बहुत फेमस है, उसका शायद 4.5 मिनट के आसपास था फिर, या फिर उसका रेशो में था आंसर। वेटरन फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर माधव सिंह सोलंकी हैज़ पास्ड अवे, ही वॉज द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? बताइए, वृद्ध पूर्व विदेश मंत्री माधव सिंह सोलंकी का निधन हो गया है, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा या उत्तराखंड? क्या रहेगा सवाल का जवाब? बोट एंड स्ट्रीम, बहुत बढ़िया जी, बोट एंड स्ट्रीम वाला क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी 7वीं क्लास में मिल जाएगा वो क्वेश्चन। चलिए जी जवाब दीजिए, किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? सवाल का जवाब रहेगा गुजरात राज्य के ये मुख्यमंत्री थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? गुजरात राज्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हु इज द चेयर ऑफ द हाई लेवल कमेटी HLC टू सेमोरेट ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशन ऑफ द 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के वर्ष भर चलने वाले उत्सव को मनाने के लिए उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन थे, बताइए उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? अब तो DMG, अब तो दिमाग भी नहीं लग रहा है भाई, भाई ऐसे मत करो, पढ़ना तो पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। क्या रहेगा सवाल का जवाब? चलिए सर, फॉर्मर मिनिस्टर पूछा था तो फॉर्मर में आपको जवाब देना पड़ेगा। वो थे अपने गुजरात के। चलिए अगला सवाल है, हु इज द चेयर ऑफ हाई लेवल कमेटी, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिवस को पूरे सालाना मनाने की बात की गई, उसकी हाई लेवल जो कमेटी बनाई गई उसके अध्यक्ष कौन थे? सवाल का जवाब है नरेंद्र मोदी जी। सवाल का जवाब है नरेंद्र मोदी जी। अमित शाह जी जितने दे रहे हैं सभी का गलत है, सवाल का जवाब है नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है, व्हाट वॉज द थीम ऑफ द वर्चुअल इंटरनेशनल अखंड कॉन्फ्रेंस एडुकैन 2020? वर्चुअल इंटरनेशनल अखंड सम्मेलन एडुकैन 2020 का विषय क्या था, थीम क्या थी भाई? असेसमेंट फॉर द लर्निंग आउटकम्स एंड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एजुकेशन कॉन्ट्रीब्यूशन कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत, एनविशन एजुकेशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग यूथ टू रिस्टोर ग्लोबल पीस, बिल्डिंग पीस इन द माइंड ऑफ यूथ्स एंड ऑल, सीखने के परिणामों और सत्ता विकास के लिए आकलन करना, आत्मनिर्भर भारत में योगदान देने वाली शिक्षा, वैश्विक शांति बहाल करने के लिए युवाओं को बदलने के लिए शिक्षा की कल्पना करना, युवाओं और सभी के मन की शांति का निर्माण करना, एडुकेन 2020 की थीम क्या थी? सवाल यहाँ पर यह है। अरे तो हाथ से साफ, उसे शर्ट से साफ कर लो, टी शर्ट से। क्या रहेगा सवाल का जवाब? सवाल का जवाब रहेगा असेसमेंट फॉर द लर्निंग आउटकम्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सीखने के परिणामों और सत्ता विकास के लिए आकलन, ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन एज इट इज CGL में पूछा जाएगा, इतने लेवल के क्वेश्चन कम से कम एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। सवाल का जवाब है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेलिब्रेट्स द प्रवासी भारतीय दिवस ऑन विच डे एनुअली? इसमें तो भाई साहब ऐसे बच्चा यूँ शेयर हो जाता है, कह रहा अच्छा हमसे पूछना चाहोगे ये जवाब, कह रहे पूरी कहानी बता देंगे कि 21 साल बाद गांधी जी आए थे, कौन सी ट्रेन में बैठ के आए थे, सीट नंबर कौन सी थी, पीछे कौन बैठा हुआ था पीछे वाले पे, और रास्ते में समोसे या क्या खाए थे, चाय कौन सी पी थी, कौन सा दूध, कह रहा पूरी कहानी जानते हैं इसके बारे में तो हम, 1915 में आए थे, कह रहे घर तक ले जाएंगे तुम्हें छोड़ते छोड़ते हम। ठीक सर, देखिए थोड़े से आपको, देखिए मैंने बहुत कुछ करवा रखा है शिवम पोलवार जी, अगर आप पुरानी क्लासेस को भी देख लेंगे तो मेरे पर भी बहुत एहसान हो जाएगा, क्योंकि आप सोचिए मैं लगातार 6 महीने से CHSL को टारगेट और CGL को टारगेट करके चल रहा हूँ, तो मैंने बहुत कुछ पढ़ा रखा है सर, ही नहीं मैंने ऑलमोस्ट सभी सवालों को कहीं ना कहीं ने रिवाइज करवा रखा है, बस ये रिवीजन चल रही है यहाँ पे मैं, क्योंकि एग्ज़ाम को टारगेट कर रहा हूँ सर। अगर आप थ्योरी वाली क्लास में आएंगे, रात को 9 साढ़े 9 बजे क्लास है थ्योरी वाली, इसके अलावा 8 बजे भी क्लास है Wi-Fi 2.0 चैनल पे। थ्योरी वाली क्लास में आप रात को 9:30 बजे आएंगे, वहाँ मैं बिल्कुल बेसिक से आपका हाथ पकड़ के आपको लिखना सिखाऊंगा, क्योंकि वहाँ बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे, मगर ये मैं करवा चुका हूँ तो यहाँ केवल मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। सवाल का जवाब है 9 जनवरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है, व्हाट इज द टर्म ऑफ द MOU साइन बिटवीन IREDA एंड NHPC टू प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस फॉर द ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट, बताइए हरित ऊर्जा परियोजना के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए IREDA ने NHPC के बीच हस्ताक्षरित समझौते पर ज्ञापन की अवधि क्या है? 3 साल की अवधि है, 5 साल की अवधि है, 6 साल की अवधि है, चलिए फिर बताइए, या 7 साल की अवधि है, 10 साल की अवधि है, कितनी अवधि है? सवाल यहाँ पर यह है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए, अच्छे लेवल के सवाल हैं, एग्ज़ाम में पहले भी पूछे गए हैं इस प्रकार के, कम से कम इस प्रकार के सवाल आपको तैयार करके जाने पड़ेंगे अगर आप चाहते हैं जी। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाए हैं सर, मैं श्योरली बोल रहा हूँ, ठीक क्यों करवा रखे हैं, ताकि तुम्हारी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए यार, इसीलिए मैं दोबारा से करवा रहा हूँ, रिवीजन चल रही है यहाँ पे, कहीं ना कहीं मैं आपको दोबारा से तब नहीं कराऊंगा। अब देखिए अगर आप मेरे से फिर पूछे सर IREDA की फुल फॉर्म भी बताइए, तो यार मैं पहले करा चुका हूँ, द इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, ठीक है, द इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, ठीक है जी, किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है? NHPC के साथ इसने कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक, NHPC के साथ इसने एग्रीमेंट किया है ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड कराने के लिए, कितने सालों तक करवाई जाएगी? तो 5 साल, 5 ईयर्स तक ये प्रोवाइड करवाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है स्क्रीन पर,
शौर्या सैलरी अकाउंट इज अ न्यू प्रोडक्ट लॉन्च बाय विच बैंक। आपको इसको देख के तो याद आ गया होगा, और ठीक है कि डिफेंस पर्सनल्स के लिए जो अकाउंट की बात की गई थी कहाँ पर की गई थी, बंधन बैंक, कैनरा बैंक, एचडीएफसी बैंक या फिर कोटक महिंद्रा बैंक। चलिए, शौर्या सैलरी अकाउंट के बारे में मैंने करवाया था आपको, डिफेंस पर्सनल्स के लिए जो अकाउंट खुलवाए गए, नया न्यू प्रोडक्ट लॉन्च बाय विच बैंक फॉर द डिफेंस पर्सनल। सवाल का जवाब क्या है यहाँ, सवाल का जवाब रहेगा सर हैनली पासपोर्ट में इंडिया की रैंक 90 हो गई है, बहुत बढ़िया जी। सर अगर ये सवाल अगर आपका सी एच एस एल में पूछा जाएगा तो सी एच एस एल एग्ज़ाम ऑलरेडी बनकर तैयार है पहले से, दोबारा नहीं बनाया जा रहा, तो आपको 85 ही टिक करना पड़ेगा। ठीक, सवाल का जवाब यहाँ पे है बंधन बैंक। ठीक, सवाल का जवाब यहाँ पे है बंधन बैंक, आप चिंता मत कीजिए, बिल्कुल एक्यूरेट डेट पर डालेगा कि जुलाई महीने के अनुसार भारत में, भारत की हैंगले इंडेक्स में रैंकिंग क्या है। ऐसे नहीं पूछेगा कि भारत में हैंगले इंडेक्स की रैंकिंग क्या है, सीधा नहीं पूछेगा। ठीक, पूरा आपसे प्रॉपर सवाल पूछा जाएगा, सवाल का जवाब है बंधन बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोबाइल ऐप सतर्क नागरिक एंड डिपार्टमेंटल विजिलेंस ऑफिसर पोर्टल हैज बीन लॉन्च बाय विच स्टेट फॉर इजी ग्रीवियंस रिड्रेसल। आसान शिकायत निवारण के लिए किस राज्य द्वारा मोबाइल ऐप सतर्क नागरिक और विभागीय सतर्कता अधिकारी पोर्टल लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। चलिए जवाब दीजिए भाई, भैया इंतकाम ज़्यादा मत दिखा देना, कहीं फिर तुम्हारा इंतकाम भी देखना पड़ रहा है, ऐसे काम मत करो। क्या रहेगा सवाल का जवाब, किसने ये एप्लीकेशन लॉन्च किया है, एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला रहेगा जम्मू और कश्मीर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने क्वेश्चन रिवीजन में लेकर आ रहा हूँ सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ सतर्कता बरतना, ढंग से सवाल देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है, फॉस्टिन एरचेंज टोडेरा रिसेंटली रीइलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री। फॉस्टिन एकर्ट ट्रूडोरा को हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है, लिब्रिया, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ द कांगो या फिर बुरुंडी। कौन सा रहेगा सवाल का जवाब, चलिए जवाब दीजिए फटाफट से। फॉस्टिन एयरचेन टोडोरा को किस देश का दोबारा से राष्ट्रपति चुन लिया गया, सवाल का जवाब है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है स्क्रीन पर, द प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन 2021 विच एडिशन ऑफ द प्रोग्राम। कौन से नंबर का ये एडिशन था, प्रवासी भारतीय दिवस जो कन्वेंशन था ये कौन से नंबर का एडिशन था, सवाल यहाँ पर ये है, जवाब दीजिए भाई फटाफट से। क्या रहेगा सवाल का जवाब, तो आप जवाब देंगे सर ये जो एडिशन था वो एडिशन था 16th नंबर का। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो आपसे ये नहीं पूछेगा प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाएगा, वो आपसे पूछेगा सर एडिशन कौन सा था, कौन से नंबर का एडिशन था, ये एडिशन था अपना 16th नंबर का। ठीक, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है स्क्रीन पर, व्हाट इज द प्रोजेक्टेड जीडीपी रेट ऑफ इंडिया एज पर द लेटेस्ट रिपोर्ट नोमेरा फॉर द फिस्कल ईयर 2020 या 2021। बताइए भाई, नोमेरा के अनुसार भारत का वित्तीय वर्ष जो जीडीपी रहने वाला है वो 2020-21 के लिए क्या रहा है, सवाल ये है। चलिए जल्दी जवाब देने की कोशिश कीजिए, क्या रहेगा सवाल का जवाब, सवाल का जवाब रहेगा -6.7%। 2020-21 के लिए कितना अनुमान लगाया, तो -6.7% अनुमान लगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इन्वाइटेड एज अ चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे परेड। जो कि आए नहीं थे आप जानते हैं, बोरिस जॉनसन को बुलाया गया था, बोरिस जॉनसन को इनवाइट किया गया था मगर वो आए नहीं, ड्यू टू कोविड वो आए नहीं पाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है, RBI हैज़ फॉर्म्ड अ वर्किंग ग्रुप टू स्टडी अ डिजिटल लैंडिंग एक्टिविटीज टू स्टॉप द ग्रोइंग फ्रॉड इन सेक्टर, हु विल बी हेड दिस कमिटी। RBI ने इस क्षेत्र में बढ़ती धोखाधड़ी को रोकने के लिए डिजिटल ऋण गतिविधियों का अध्ययन करने के लिए एक कार्य समूह का गठन किया है, इस समिति का नेतृत्व कौन करेगा। जो भाई साहब लोन वोन देने में जो धांधली हो रही है ना, डिजिटल धांधली, उसके लिए कमेटी बनाई गई, उस कमेटी को जो चेयर है, हेड है, वो कौन कर रहा है, सवाल का जवाब क्या रहेगा, चलिए भाई दीजिए। 38th नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, 38th नंबर का क्वेश्चन है, सवाल का जवाब है जयंत कुमार दास, ऑप्शन नंबर बी, सवाल का जवाब रहेगा जयंत कुमार दास, ऑप्शन नंबर बी। ये सभी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है, इंडियाज फर्स्ट फायर पार्क हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी, एजुकेट टू ब्रिंग द अवेयरनेस ऑन द बेसिस ऑफ फायर सेफ्टी मेजर अमंग द पीपल।
भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? लोगों के बीच बुनियादी अग्रिम सुरक्षा उपायों के बारे में शिक्षित और जागरूकता फैलाने के लिए बनाया गया है। हैदराबाद, चेन्नई, भुवनेश्वर या कोची? ये सवाल ऑलरेडी पूछा गया एग्जाम में भाई, ये सवाल ऑलरेडी पूछा गया है एग्जाम में, आपको याद होगा CHSL का वो एग्ज़ाम जिन्होंने ये सवाल ऑलरेडी पूछा गया है। चलिए जवाब दीजिए जल्दी से। ऑप्शन है स्क्रीन पर, भुवनेश्वर, हैदराबाद, चेन्नई। चलिए जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए फटाफट से, क्या रहेगा इन सवाल का जवाब। ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, हैदराबाद, चेन्नई, भुवनेश्वर या फिर कोची। चलिए फटाफट से जवाब दीजिए, क्या रहेगा सवाल का जवाब। ऑप्शन है फर्स्ट फायर पार्क के बारे में बोल रहा है, सवाल का जवाब क्या रहेगा? सवाल का जवाब रहेगा भुवनेश्वर। ये सवाल मैंने पहले भी आपको पढ़ाया है, आपको याद होगा ये सवाल मैंने पहले भी आपको पढ़ाया है, और ये सवाल CHSL के एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है स्क्रीन पर, व्हाट इज़ द न्यू GDP ग्रोथ रेट प्रोजेक्शन ऑफ इंडियन इकोनॉमी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट ऑफ UBS इन्वेस्टमेंट बैंक। UBS इन्वेस्टमेंट बैंक की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भारत की अर्थव्यवस्था की नई GDP विकास दर का अनुमान क्या है? -7.5, -6.5, -8.5 या फिर -9.5। सवाल का जवाब क्या रहेगा? सवाल का जवाब रहेगा -7.5%, -7.5% रहेगा अनुमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है स्क्रीन पर, IRDAI हैज कॉन्स्टिट्यूटेड एन एक्सपर्ट पैनल टू एग्जामिन द अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट इन द कंट्री, हु इज द हेड ऑफ द कमेटी। IRDAI ने देश में स्वास्थ्य बीमा उत्पादों के उपलब्धता की जांच के लिए एक विशेषज्ञ पैनल का गठन किया है, इस समिति का अध्यक्ष कौन है, इस कमेटी का हेड कौन है? चलिए जवाब दीजिए फटाफट से, जवाब देने की कोशिश कीजिए, इस कमेटी का हेड कौन रहेगा, इस कमेटी का जो संभाल रहा है वो कमेटी संभालने वाला कौन है, बस सवाल यहाँ पर ये है। चलिए जल्दी जवाब देने की कोशिश कीजिए फटाफट से, कुछ सवाल और बाकी हैं, सारे ही करवाऊंगा भाई साहब, क्योंकि फिर बार बार तुम लोग भी बोलते हो कि सर पूरे नहीं हो पाती चीज़ें। चलिए क्या रहेगा सवाल का जवाब, IRDAI के जो कमेटी बनाई गई है हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट के संबंध में, उसका अध्यक्ष कौन रहेगा, उसका हेड कौन रहेगा? सुभाष चंद्र कुंटिया रहेंगे उसके अध्यक्ष, ध्यान रखना IRDAI की बात कर रहा है वो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पहले भी पूछा गया है इसी प्रकार का सवाल, और दोबारा पूछे जाने के भी चांसेस रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है स्क्रीन पर, व्हेन इज द आर्म्ड फोर्स वेटरन्स डे ऑब्जर्व्ड? सशस्त्र सेना वयोवृद्ध दिवस कब मनाया जाएगा? आर्म्ड फोर्स वेटरन्स डे कब मनाया जाएगा? चलिए जवाब दीजिए, तो बेसिक सा सवाल है एग्जाम में, और आपको याद होगा जनवरी के महीने के मैंने सारे डेज पढ़ाए थे आपको CHSL के टाइम पे। सवाल का जवाब क्या है? सवाल का जवाब है 14 जनवरी को मनाया जाता है सशस्त्र सेना वयोवृद्धा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोफा सिक्योरिटी हैज रिवाइज इट्स GDP ग्रोथ प्रोस्पेक्ट ऑफ इंडिया एंड एक्सेप्ट द इकोनॉमी एट द परसेंट फिस्कल द करंट फिस्कल ईयर। बोफा सिक्योरिटीज ने भारत की अपनी GDP विकास संभावनाओं को संशोधित किया है और चालू वित्तीय वर्ष 2021 के में अर्थव्यवस्था को कितने प्रतिशत रहने की उम्मीद बनाई है, बताइए भाई। बोफा ने भारत की जो रहने वाली है GDP रहने वाली है, विकास दर रहने वाला है, उसे कितना अनुमान लगाया? पहले कुछ और अनुमान था, बाद में कुछ और अनुमान लगाया गया, सवाल यह है कितना लगाया गया? -6.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है स्क्रीन पर, द बुक टाइटल मेकिंग ऑफ जनरल ए हिमालयन इको इज अ मेमोरी ऑफ विच इंडियन आर्मी ऑफिसर? मेकिंग ऑफ ए जनरल हिमालयन इको नामक पुस्तक किस भारतीय सैनिक अधिकारी का संस्करण है? खोनसाम हिमालय सिंह, निर्मल चंद्रा सूरी, राजेंद्र रामरो निभोरकर या फिर कमलजीत सिंह? क्या रहेगा सवाल का जवाब, जल्दी जवाब देने की कोशिश कीजिए फटाफट से जवाब देने की कोशिश कीजिए, क्या रहेगा सवाल का जवाब। सारे क्वेश्चंस करवाने की कहीं ना कहीं, देखिए मैंने प्रॉमिस किया पूरे करवा दूंगा, बताओ ना सर 2 साल में निकल जाएगा? अरे कैसी बात कर रहा बच्चा, निकल तो 1 साल में जाएगा, पढ़ेगा तो तेरा 1 साल में निकल जाएगा, नहीं पढ़ेगा तो फिर 4 साल भी कम पड़ जाएंगे, डिपेंड करता है आपके कैपेबिलिटी के ऊपर भी। और ऐसा नहीं है कि भाई ऐसा, मेरे पास देखिए साइंस थी, मैं बीटेक का स्टूडेंट हूँ, साइंस थी मेरे पास, ठीक है, साइंस ही मैंने पढ़ी है, उसके बाद मैं हिस्ट्री पॉलिटी पढ़ाता हूँ, कभी नहीं देखा होगा आपने साइंस पढ़ाते हुए। तो एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, साइंस से आते हैं, पॉलिटी हिस्ट्री वाले बैकग्राउंड से आते हैं या फिर अपना कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं,
उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस फ़र्क पड़ता है कि आप कितने सक्षम हैं, डेडिकेटेड हैं अपनी तैयारी के लिए। सवाल का जवाब है कौन सा हिमालय सिंह, सवाल का जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, सवाल का जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ध्यान रखना है, बुक इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है, डॉक्टर प्रकाश राव हु हैज़ रिसेंटली पास्ड अवे, रेसिपिएंट ऑफ पद्मश्री हॉनर कॉन्ट्रीब्यूशन इन विच फील्ड। डॉक्टर प्रकाश राव जी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, मतलब जनवरी 2021 के महीने में निधन हो गया, किस क्षेत्र में योग्यता के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? लिटरेचर, म्यूजिक, जर्नलिज्म या फिर सोशल एक्टिविटी, किसी लिए उन्हें सम्मानित किया गया था? चौधरी जी रेसलिंग प्रो, बहुत लेट आए हैं आप, इसके बाद दोबारा से क्लास है अपनी 3 बजे, वहाँ पहुँच जाइएगा टाइम से, एप्लीकेशन पे क्लास है वो वाली। क्या रहेगा सवाल का जवाब? सवाल का जवाब यहाँ पे रहेगा सोशल एक्टिविटी। सर मैं आपको बता दूंगा, आप चिंता मत कीजिए, आप कमेंट करके छोड़ देना, मैं बता दूंगा। अगर देखिए आप मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन मानेंगे ना, तो आप मुझे ये वाला मैसेज ना, मानव जी, आप करके छोड़ देना, कमेंट में डाल देना ऑफलाइन में, वहाँ मैं बुक का नाम बता दूंगा, यहाँ बुक का नाम मैं आपको बता नहीं पाऊंगा ऐसे। चलिए अगला सवाल है स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं, सवाल का जवाब क्या रहेगा? सोशल एक्टिविटी। चलिए 45 ही क्वेश्चन थे भाई, पूरे मैंने करवा दिए आपके सामने, मैंने एक क्वेश्चन नहीं छुड़वाया। ठीक, अरे पहले इजी बुक बताना पड़ेगी इसे, उसके बाद डिफिकल्ट बुक पे पहुंच पाएगा, वरना वो वाली बुक सीधा उठाएगा ना, तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होंगे, डर के मारे आगे मैथ्स पढ़ना छोड़ देगा ये। क्लास अच्छी लगी है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो बच्चा नया जुड़ा है चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और इसके बाद 3 बजे क्लास है एप्लीकेशन पर, वहाँ पर पहुँच जाना क्लास लेने के। ठीक, किसी का कोई डाउट है मैं यहीं खड़ा हूँ, कोई भी डाउट है आपका किसी भी प्रकार का आप पूछ सकते हैं, परेशान होने की किसी को भी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक जी, 45 ही निकले, कोई दिक्कत नहीं, परेशान मत होइए, आगे वाली क्लास में बाकी जो टॉपिक रहेगा उसको भी निपटा देंगे। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ध्यान रखिए, तब तक लंच नहीं किया तो लंच